वेलकम टू फूड विला कोलकाता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड विला कोलकाता। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कोलकाता स्टाइल मटन कीमा स्पेशल तहारी, जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। आप इसे अपने घर पर इसी प्रोसेस में बनाइए, आपको बहुत अच्छी टेस्ट मिलेगी। तो चलिए हम लोग तहारी बनाना शुरू करते हैं। मटन तहारी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेंगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ हमने 1 किलो बासमती चावल लिया, आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 1.5 किलो आलू, 1 किलो मटन, दही, देसी घी, वनस्पति घी, लहसुन, अदरक, नमक, बिरयानी के मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च और फूड कलर, छिमी मटर, प्याज और कुकिंग ऑयल। चावल मैंने धो लिया है और हम इसमें पानी डालकर आधे घंटे के लिए इसे भिगोकर रख देंगे। आलू में हम अच्छी तरीके से फूड कलर डालकर और नमक डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए हम कैसे मिला रहे हैं, अच्छी तरीके से मिलाइएगा आप भी। और इसे अब हम क्या करेंगे, फ्राई करने के लिए जाएंगे। ये देखिए कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। हम इसमें अब आलू डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए, ऐसे करके, और इस आलू को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। आलू हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। कीमा तहारी बनाने के लिए अब हम यहाँ कीमा तैयार करेंगे। तो कुकर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मटन डालेंगे और मटन को अच्छी तरीके से प्याज में फ्राई करेंगे। ये देखिए कैसे हम मटन को प्याज के साथ फ्राई कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। मटन में अब हम 4 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 छोटी कटोरी दही डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे इन मसालों के साथ। हम मटन को गलाने के लिए अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे गलने तक हम छोड़ देंगे। कीमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसको हम लोगों ने 10 से 15 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ा था, तो ये अब हमारा कीमा गल चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से और तेल भी छोड़ चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से, आप देखिए। तहारी बनाने के लिए हमें चावल भी तैयार करना पड़ेगा, तो हमारा हड़िया देखिए गरम हो चुका है, अब इसमें हम घी डालेंगे। इसके बाद बिरयानी का मसाला डालेंगे,
उसके बाद अब हम चावल डालेंगे। सारे चावल हमने इसमें डाल दिया है। घी में हम इस चावल को अच्छे तरीके से भूनेंगे। हमने जो आलू फ्राई करके रखा था उस आलू को हम इस चावल में मिला लेंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे, चावल और आलू को एक साथ। चावल और आलू अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्च और छीमी मटर डालेंगे और इसमें हमने जो कीमा तैयार किया था वो भी इसमें डालेंगे। और इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। ज्यादा भारी हाथों से ना मिलाए वरना हमारे चावल यहाँ पर टूट जाएंगे। चावल, आलू, कीमा, सारी चीज हमने मिलाकर अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमारे चावल के मात्रा के हिसाब से हमने 1.5 इंच पानी डाला। आप अपने चावल के मात्रा के हिसाब से पानी डालिएगा। पानी हमने डाल दिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पुदीना का पत्ता डालेंगे और इसे मिला लेंगे। वाव, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारी तहारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके एंड में हम देसी घी डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। वाव, ये देखिए हमारा तहारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है खाने के लिए। देख रहे हैं ना कितनी टेस्टी लग रही है ये। तो अब हम इसे प्लेट्स में निकालेंगे। अब हम तहारी को प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। हम भी निकाल रहे हैं। ये देखने में कितना टेस्टी एंड यमी लग रहा है। हमारे ही प्रोसेस से आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर बनाने के लिए। हमारा मटन कीमा तहारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए आप हमारे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए और हमारे नए नए रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे और भी नए नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन पता चल सके। तो खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। नाउ थैंक यू so much।